हरियाणा में लंबे समय बाद अब पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। पहले दिन भारी संख्या में स्कूल पहुंचे बच्चों से स्कूलों में रौनक से लौट आई है। लंबे समय से बंद हरियाणा के प्राइमरी स्कूल अब से पूरी तरह खुल गए। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद पहली से तीसरी तक के छात्रों की कक्षाएं शुरू हो गई। स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया गया। दरअसल अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर के समय हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था। प्रशासन ने बताया कि स्कूलों में इन कक्षाओं को शिक्षा विभाग की ओर से जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए चलाया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के SRS लैब स्कूल की तो तस्वीरें ही कुछ अलग सी आई। यहाँ 1.5 साल बाद स्कूल पहुँचे मासूम बच्चों में काफी खुशी नजर आई। बच्चों को कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में प्रवेश करवाया गया। लंबे समय बाद स्कूलों में लौटी रौनक को देख अध्यापकों के चेहरे भी खिले नजर आए। 1.5 साल हो गए स्कूल नहीं खुले, घर पे मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती। और अब स्कूल खुले तो कैसा लग गया? अच्छा लग रहा है। मार्च 2019 के बाद अब स्कूल खुले हैं। इतने लंबे टाइम तो स्कूल खुलने के बाद बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल आते रहें, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मास्क भी है, प्रॉपर हर चीज़ का सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएँ, क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडी है उससे बच्चे अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ पा रहे। जो फर्स्ट सेकेंड के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती। जब वो बच्चे क्लास में आएंगे, जो इंटरेक्शन हमारे साथ होता है बच्चों का डायरेक्ट, वो नहीं हो पाता। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। वहीं पंचकुला में भी स्कूलों में बच्चे पहुंचे। शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूल प्रबंधकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके उचित प्रबंध स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। हम सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और बच्चों की सुविधा के लिए हमने कमरे जो है कल सैनिटाइज करा दिए गए थे। छुट्टी थी कल और कल कमरे जो है पूरे सैनिटाइज करा दिए गए हैं। हर एक बच्चे की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, मास्क रखे हुए हैं। जो बच्चा घर से पहन के आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम मास्क हम प्रोवाइड कर देंगे। और भी जो टीचर्स हैं उनको भी बताया गया है कि बच्चों का थोड़ा अलग अलग बिठाएँ, थोड़ा दूरी रखवाएँ। कुछ छोटे बच्चे हैं तो खुद नहीं कर पाते, टीचर्स पूरी उनको देखेंगे। समय के साथ सिस्टम में सुधार और महामारी में कमी के बाद जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटने लगी। काम धंधे शुरू हुए और स्कूलों में रौनक लौटने लगी। ये सब पहले की तरह जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सब कोरोना नियमों की पालना करें, क्योंकि महामारी अभी कम हुई है, खत्म नहीं हुई। जगबीर घनघस, भिवानी, खबरें अभी तक।